नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सफलता के नियमों पर जो गौतम बुद्ध ने हमें सिखाए हैं। बुद्ध के अनुसार सफलता पाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं वे सिद्धांत जो हमारी जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सही दृष्टिकोण, राइट व्यू। बुद्ध ने कहा है कि हमें सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें जीवन के हर पहलू को समझदारी से देखना और सही समझ विकसित करना चाहिए। जब हम जीवन की सच्चाई को पहचानते हैं, तभी हम सफलता की दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। सही संकल्प। हमारे इरादे और संकल्प महत्वपूर्ण होते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे विचार और संकल्प शुद्ध और सकारात्मक होने चाहिए। सही संकल्प हमें दृढ़ता और आत्मविश्वास देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सही वाणी। हमारी वाणी का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। बुद्ध के अनुसार हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने शब्दों से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हम अपने आसपास के लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सही कर्म, राइट एक्शन। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा सही और नैतिक कर्म करने चाहिए। सही कर्म हमें न केवल सफलता दिलाते हैं, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करते हैं। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध के अनुसार हमें ऐसी आजीविका चुननी चाहिए जो न केवल हमें आर्थिक रूप से स्थिर बनाए, बल्कि नैतिक और सही भी हो। सही आजीविका से हम अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। सही प्रयास, राइट एफर्ट। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगातार और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। सही प्रयास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सही ध्यान। ध्यान हमारे मन को स्थिर और केंद्रित रखता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, इससे हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही समाधि। सफलता के लिए एकाग्रता महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। सही समाधि से हम अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। सही समझ। बुद्ध ने कहा है कि सफलता की पहली सीढ़ी है सही समझ। हमें यह जानना और समझना जरूरी है कि हमारे कार्यों का परिणाम क्या होगा। जब हम अपनी दिशा स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमारे प्रयास सही दिशा में जाते हैं। सही दृष्टिकोण। हमारे दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। सही प्रयत्न, राइट एफर्ट। सफलता के लिए निरंतर प्रयत्न आवश्यक है। बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। सही प्रयत्न से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। सही ध्यान, राइट माइंडफुलनेस। ध्यान हमारे मन को स्थिर और केंद्रित रखता है। बुद्ध ने सिखाया है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। सही ध्यान से हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही संगति, राइट कंपनी। बुद्ध ने कहा है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। सही संगति से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हम सही मार्ग पर चलते हैं। सफल होने के लिए सही संगति का होना बहुत जरूरी है। सही अनुशासन, राइट डिसिप्लिन। अनुशासन सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने सिखाया है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। सही अनुशासन से हम अपने कार्यों को सही समय पर पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सही विचार। हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा शुद्ध और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। सही विचार से हम सही निर्णय ले सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सही काम। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि हमें हमेशा सही और नैतिक कर्म करने चाहिए।
सही काम से हमें न केवल सफलता मिलती है बल्कि हम आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। सही संयम। बुद्ध ने सिखाया कि संयम सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने इच्छाओं और वासनाओं पर संयम रखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सही समय का प्रबंधन। बुद्ध ने हमें समय के महत्व को समझाया है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। सही समय पर सही कार्य करने से हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। सही मनोवृत्ति। बुद्ध ने कहा कि हमारी मनोवृत्ति हमारी सफलता को प्रभावित करती है। सकारात्मक और उत्साही मनोवृत्ति हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। सही संवाद, राइट कम्युनिकेशन। बुद्ध ने हमें सही और स्पष्ट संवाद की महत्ता समझाई है। हमें दूसरों के साथ ईमानदारी और खुलेपन के साथ संवाद करना चाहिए ताकि हम संबंधों में विश्वास और सहयोग बढ़ा सकें। सही विचारों का अभ्यास, राइट थॉट प्रैक्टिस। हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें नियमित रूप से सही और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर रह सकें। सही प्रेरणा, राइट मोटिवेशन। बुद्ध ने कहा कि सही प्रेरणा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहना चाहिए और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। सही आदतें, राइट हैबिट्स। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। हमें सकारात्मक और उत्पादक आदतों को अपनाना चाहिए जो हमारी सफलता की राह को आसान बनाए। सही दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान। बुद्ध ने सिखाया कि समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखना और हल करना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण और तार्किक ढंग से करना चाहिए। सही धैर्य, राइट पेशेंस। बुद्ध ने कहा है कि धैर्य सफलता की कुंजी है। हमें अपने प्रयासों में धैर्य बनाए रखना चाहिए और असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। सही धैर्य से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सही संतुलन, राइट बैलेंस। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सही संतुलन से हम तनाव मुक्त और उत्पादक रह सकते हैं। सही सहयोग, राइट कोऑपरेशन। बुद्ध ने बताया कि सफलता अकेले नहीं मिलती, हमें दूसरों के सहयोग की भी जरूरत होती है। सही सहयोग से हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। सही अनुकरण, राइट इमिटेशन। बुद्ध ने कहा है कि हमें महान व्यक्तियों और उनकी शिक्षाओं का अनुकरण करना चाहिए। सही अनुकरण से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। सही समय पर निर्णय, राइट डिसीजन मेकिंग। बुद्ध ने सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना सफलता के लिए आवश्यक है। हमें अपने निर्णय सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लेने चाहिए। सही मनोबल। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। सही मनोबल से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। सही लक्ष्य निर्धारण। बुद्ध ने कहा है कि हमें स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। सही लक्ष्य निर्धारण से हम अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करना चाहिए। सही आत्मविश्लेषण से हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। सही प्रेरणा स्रोत। बुद्ध ने कहा कि हमें हमेशा सही प्रेरणा स्रोत ढूंढने चाहिए। प्रेरणा के सही स्रोत हमें ऊर्जा और उत्साह देते हैं जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सही मानसिकता। बुद्ध ने बताया कि सफलता के लिए सही मानसिकता जरूरी है। सकारात्मक और सशक्त मानसिकता से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण नियम सफलता के लिए। इन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल सफल हो सकते हैं बल्कि एक सुखी और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। आशा है कि ये बातें आपको प्रेरणा देंगी और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।